उत्तराखंड के नैनीताल जिले की ही एक सीट है हल्द्वानी विधानसभा सीट, जो कांग्रेस के खाते में गई है। सुमित रदेश करीब 50,000 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के जोगिंदर पाल को करीब 42,000 वोट मिले। हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कुल 13 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी थी। हल्द्वानी विधानसभा सीट पर अब तक 4 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं एक बार भाजपा का परचम लहराया है। हल्द्वानी सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार हल्द्वानी सीट पर कब्जा किया है। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी में कांग्रेस का परचम फहरा चुकी हैं। जीत के बाद सुमित हृदयेश ने जनता का धन्यवाद किया, लेकिन वे कांग्रेस की हार को लेकर हताश दिखे। उन्होंने कहा कि हम मजबूती से जनता के बीच जाना चाहते थे, लेकिन हम बतौर विधायक उनकी आवाज़ विधानसभा तक पहुँचाता रहूँगा। जनता ने नहीं देखिए, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं देवतुल्य जनता को कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे, और ऐसी विषम परिस्थिति की 2017 की पुनः याद आ गई। जैसे 2017 का चुनाव था, ऐसा लग रहा है वही 2017 दोबारा आ गया। फिर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा मेरे हिसाब से, लेकिन क्या कारण रहे इस प्रदेश में जो आज परिस्थिति है, इस पर गहरा मंथन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। हम सब लोग एकजुट होकर अवश्य इस प्रदेश की प्रगति के लिए संघर्ष हमारा और लड़ाई जारी रहेगी। मेरे को बहुत व्यक्तिगत तौर से दुख है आदरणीय हरीश रावत जी, वो हमारे अभिभावक भी हैं, और इतनी मेहनत के साथ उन्होंने पिछले 5 वर्ष कड़े परिश्रम के साथ पूरे प्रदेश में कार्य करा, और कांग्रेस की परिस्थिति अगर आज 20-25-30 जितनी भी सीटें आई हैं उसमें हरीश रावत जी का अभूतपूर्व योगदान है, तो इसलिए बहुत आवश्यक था कि हरीश रावत जी जैसे व्यक्ति ज़रूर जीते। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि ऐसे कद्दावर नेता जो इतना अच्छा विजन रखते हों, अच्छे काम करते हों, अच्छी सोच रखते हों, उन्हें जनता ने वोट नहीं डाला, तो अवश्य हम सबको मंथन आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या कारण रहे। शायद हम सब की कोई कमी रह गई, लेकिन मैं नहीं मानता कि हरीश रावत जी की कोई कमी रही। एक सवाल है कि बीजेपी को जनता ने